तो आज का जो वीडियो है आपने ऑलरेडी मैं पागल हूँ तो शुरुआत करते हैं फ्लावर से। आपने स्टार्टिंग में ही देख लिया कि पेंटिंग कैसा बन रहा है, तो आपके भी मन में होता है कि एक्रेलिक पेंटिंग में फ्लावर कैसे बनाए जाते हैं, वो भी कैनवस पे। मैं कोई ऐसा ट्रिक नहीं बता रहा कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, लेकिन एक तरीका होता है फ्लावर बनाने का। तो आज की वीडियो में समझेंगे कि फ्लावर पेंटिंग कैसे बनाती है, वो भी सॉफ्ट में, कोई इसके एजेस ना हो, एजेस मतलब हार्डनेस ना लगे, फ्लावर हम सॉफ्ट लगे, सॉफ्ट मतलब समझते ना प्यारा से। फ्लावर पेंटिंग में हमें सॉफ्टनेस देखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड भी सॉफ्ट दिखना चाहिए। तो ये कैसे क्रिएट होता है, तो आज की वीडियो में जानेंगे फ्लावर पेंटिंग के बारे में, वो भी एक्रेलिक मीडियम के साथ। तो आपका जो सामान होना चाहिए वो ये है कि कैनवस पैड ले सकते हो, या कैनवस बोर्ड, या कैनवस स्ट्रेच वाले। आने वाले वीडियो में कैनवस बोर्ड एंड कैनवस स्ट्रेच के बारे में बताऊंगा। मेरी वीडियो में अपडेट रहने के लिए बेल आइकन का दबा, बेल आइकॉन का। तो आपका कैनवस होना चाहिए, कलर ट्यूब होना चाहिए, कलर पैलेट होना चाहिए, ब्रश होना चाहिए, पेंसिल इरेजर सब होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये सामान नहीं है तो खरीद लें ऑनलाइन। आर्ट मटेरियल का लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, चेक कर लेना इस वीडियो के बाद। शुरुआत करें कैनवस को रेडी करने के लिए। कैनवस को रेडी कैसे करते हैं, गैसो से। अगर आपका कैनवस पतला है तो गैसो का यूज़ करना है। कैसे करना है, कुछ इस तरह से करना है। तो आपके पास होना चाहिए गैसो, आर्टिस्टिक वाला, कैमल कंपनी का और नाइफ, इन दोनों का यूज़ करेंगे। जो गैसो लोगे तो 500 ml का होना चाहिए, और इसको लगाते कैसे, नाइफ से लगाना, नाइफ से चारों तरफ फैला देना, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से। चारों तरफ कवर करने के बाद फिर हम यूज़ करेंगे फ्लैट ब्रश, 1 इंची वाला भी 2 इंची वाला, जो आप कंफर्टेबल हो अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। और हल्का सा पानी ऐड करना, मिक्स करके लेवल करना पूरा। ये पूरा होने के बाद गैसो को यूज़ करने के बाद उसको थोड़ा सूखने देंगे। सूखने के बाद हम करेंगे ड्राइंग। तो फ्लावर का ड्राइंग कैसे बनता है ये जरा देखिए। देखो, जब फ्लावर बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले हम बनाएंगे अंडा। अंडे के बाद बनाएंगे उसके फ्लावर की पार्ट, जितने भी आप देखते हो ना, अलग अलग पोजीशन पे होते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं, उसकी ड्राइंग करेंगे। छोटा बड़ा भी होगा चलेगा, क्योंकि प्रॉपर तरीके से फ्लावर होता नहीं, अब ओवरलैप होता है, कुछ मुड़े हुए होते हैं, कुछ स्ट्रेट होते हैं, कुछ झुके हुए होते हैं। तो इस तरह से आप फ्लावर की ड्राइंग बना सकते हो। देखो, दो तरीका है पेंटिंग बनाने का, पहले बैकग्राउंड रेडी करो फिर ड्राइंग बनाओ, या फिर पहले ड्राइंग बना फिर बैकग्राउंड रेडी करो। तो मैंने आपको समझाने के लिए पहले ड्राइंग बनाया फ्लावर का। जितने फ्लावर है उनको एक साथ मैंने कनेक्ट कर दिया एक ही ब्रांचेस के साथ। ये ऑलमोस्ट ड्राइंग हो चुका है, आई नो आपको हल्का दिख रहा है, जब हम कलरिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि फ्लावर की कलरिंग कैसे होती है। ड्राइंग करने के बाद हमें करना है कलरिंग, इस पेंटिंग में कलर कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं, और पहला करना है बैकग्राउंड, उसके बाद हम करेंगे फ्लावर पे। तो जरा ये देखिए कि कलर कौन सा यूज़ हो रहा है। फ्लावर करने के लिए ये हमारे पास ब्रश होना चाहिए फ्लैट, बैकग्राउंड करने के लिए 12 नंबर की ब्रश, इन सबसे डिटेलिंग करेंगे। तो आपका कलर पैलेट होना चाहिए, ये वाले प्लास्टिक वाले यूज़ कर सकते हैं। तो कलर लेंगे वाइट, पर्शियन ब्लू, सैप ग्रीन, ब्लैक, ऑरेंज, येल्लो, ग्रीन और आखिर में 1 नंबर। वाइट से लेके ब्लैक तक होगा बैकग्राउंड कलर, ऑरेंज से लेके 1 नंबर तक होगा फ्लावर पर कलर। बैकग्राउंड कलर करने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं वाइट और पर्शियन ब्लू। डार्क लाइट होना चाहिए और कहीं भी डिटेलिंग नहीं होगा, मिक्स कलर होगा, क्योंकि हमें थोड़ा बैकग्राउंड ब्लरी दिखाना है। ब्लरी दिखाने के लिए कहीं डार्क, कहीं लाइट, कहीं ग्रीन का यूज़, कहीं ब्लैक का यूज़, कहीं पर्शियन ब्लू प्लस ब्लैक का यूज़ करेंगे। ये चारों तरफ यूज़ करते हुए चलेंगे, और जो हमने ड्राइंग किया था फ्लावर का वो भी कहीं ना कहीं छुप जाएगा, लेकिन हमें एक आइडिया मिल गया है कि कहाँ हमें फ्लावर का कलर करना है या कहाँ हमें डार्क टोन देना है। फिर इसलिए मैंने लाइट डार्क का किया, उसके बाद मैं आप कर रहा हूँ फ्लावर का कलर वाइट। फ्लावर में थोड़ा बेस कलर दे रहा हूँ, डार्क टू लाइट जा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को लगता है डार्क देना चाहिए, इतना भी डार्क नहीं। जब फ्लावर का कलर होता है ना, सॉफ्टनेस डार्क होता है, हार्डनेस नहीं। उसके बाद मैं कर रहा हूँ बैकग्राउंड में फिर से कलर, कहीं कहीं लगा कि और सॉफ्टनेस होना चाहिए, उसको और क्रिएट किया। और ये थोड़ा पैची में होता है, जब भी फ्लावर करें ना पैच में करें, हर एक फ्लावर में डिटेलिंग करने ना जाए तो फोटोग्राफ लगेगा। पेंटिंग का मतलब ही होता है अपना इंप्रेशन छोड़ना, फ्लावर किस तरह से इंप्रेशन दे के निकालते हो या उसको बनाते हो, ये आपको पर डिपेंड है। तो ये तरीका मैं बता रहा हूँ कि किस तरह से फ्लावर को बना सकते हो। ये बैकग्राउंड रेडी हो चुका है, इसके बाद हम करेंगे फ्लावर पे। अगर आप बेसिक से एडवांस जाना चाहते हैं एक्रेलिक मीडियम पे, तो उन्होंने इसका कोर्स बनाया है, बेबी स्टेप कैसे कर सकते हो, लॉन्ग वीडियो है, पहले ड्राइंग कैसे करना है, कलरिंग कैसे करना है, ये तो बताया इन वीडियो में और बताता रहूँगा। लेकिन एक होता ना लेसन प्लान, हर महीने आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो बेसिक से लेकर एडवांस तक, इसका मैंने कोर्स बनाया है, पैट्रॉन पर जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। तो कंटिन्यू करते फ्लावर पेंटिंग पे।
फ्लावर में डिटेल देना है वन नंबर प्लस वाइट, क्योंकि सॉफ्टनेस होना चाहिए, कहीं के जगह पर डार्क टोन आएगा, अगर ऊपर से लाइट आ रहा है तो नीचे वाला पोर्शन डार्क होगा, वो फील होना चाहिए कि ये फ्लावर का शेडो इधर आ रहा है और ऊपर उसका लाइट पड़ रहा है। जो सारे फ्लावर मैं दे रहा हूँ उसके बाद मैं यूज़ किया ग्रीन, फिर लगा मेरे को कि नहीं ये इतना निकल के नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने यूज़ किया ऑरेंज प्लस वन नंबर, फिर इसके ऊपर मैं यूज़ कर रहा हूँ येल्लो, क्योंकि फ्लावर को पता है कि उसको जो बीच वाला पार्ट थोड़ा ब्राइटनेस होता है, तो उसके बाद मेरे को और निकालना था फ्लावर, तो उसका बैकग्राउंड मैंने और डार्क किया। देखो अगर आपका जो फ्लावर लाइट है तो बैकग्राउंड डार्क रखें, ऑटोमेटिकली फ्लावर निकल के आएगा। फिर इससे मैंने और डार्क किया, डार्क करने के बाद अब थोड़ा थोड़ा फ्लावर का वो पार्ट दिख रहा है, उसका थोड़ा मैं और डार्क कर रहा हूँ, जैसे बर नंबर को यूज़ किया डायरेक्ट हाईलाइट देने के लिए। अब इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्रेश वाइट, जहाँ हाईलाइट मेरे को देना है, अब बस हाईलाइट देके निकालना है। इसलिए जब भी फ्लावर बनाए डार्क टू लाइट जाए, वाइट कलर थोड़ा सा मोटा यूज़ करें। सारे फ्लावर मैं यूज़ कर रहा हूँ और धीरे धीरे आप देख ही पा रहे हो किस तरह से फ्लावर के जो पंख है निकलते हुए आ रहे हैं, और विजुअली आपको समझ में आ ही रहा है कि हाँ यहाँ बैंड है, यहाँ इस तरह से झुका हुआ है, इस तरह से यहाँ टेढ़ा है, सारी चीज़ें आप देख पा रहे हो। तो इसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ ग्रीन प्लस येल्लो, क्योंकि डार्क इतना हो चुका है तो लीव हमेशा लाइट देखना चाहिए, तभी वो निकल के आएगा। जो लीव के एक साइड में यूज़ कर रहा हूँ येल्लो प्लस वाइट, क्योंकि उसका शेडो देने के लिए। अब आपको दिख रहा है कि लीव का जो पार्ट है हाईलाइट के थ्रू निकल के आ रहा है, एक साइड मैंने लाइट किया और दूसरे साइड मैंने डार्क किया। रियलिस्टिक ऐसे दिखा सकते हो, एक साइड लाइट और एक साइड डार्क, फिर उसको मर्ज करें लाइट डार्क को, फिर कहीं कहीं जगह आपका हाईलाइट दिखेगा लाइट ग्रीन का, वही देखना चाहिए प्रॉपर, एकदम शार्प एजेस नहीं होने चाहिए, जो भी लाइट टोन दे रहे हो डार्क टोन दे रहे हो दोनों मर्ज होने चाहिए, तभी जाके वो खिल के आता है। ओवरऑल ये पेंटिंग मैंने बना लिया है। ये था फ्लावर पेंटिंग, ये आपको कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हो। इसके अलावा कोई एनिमल पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हो, कोई बर्ड, कोई भी ऐसा लैंडस्केप पेंटिंग बनाना सीखना चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो। तो एक्रेलिक पेंटिंग मैंने और भी वीडियो बनाया है तो यहाँ देख सकते हो। तो ऐसे अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।